कोरोना मुसीबत के बीच अब भारत के तटीय राज्य ओडिशा और पश्चिम बंगाल में तूफान का खतरा बढ़ता जा रहा है। बंगाल की खाड़ी में उठा अम्फान तूफान आज पश्चिम बंगाल के तट से टकरा गया है, जिसकी जानकारी आज गृह मंत्रालय एनडीआरएफ आईएमडी की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई। एक रिपोर्ट देखिए। साल 2020 कई मुसीबतों को अपने साथ लेकर आया है। देश पहले ही कोरोना महामारी की मार झेल रहा है, तो वहीं अब तूफान से तबाही का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। जी हां, बंगाल की खाड़ी में उठा अम्फान तूफान आज ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तट से टकरा गया है। तटीय इलाकों में तेजी से हवाएं चल रही हैं, साथ ही बारिश भी कहर बरपा रही है। अम्फान का पहला प्रहार पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में हुआ, जहां तेज आंधी के साथ बारिश हो रही है। एनडीआरएफ के डीजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए कहा कि बंगाल में सुपर साइक्लोन अम्फान का लैंडफॉल शुरू हो गया है। अगले कुछ घंटे काफी अहम है, क्योंकि करीब 4 घंटे तक लैंडफॉल की प्रक्रिया चलेगी। पूरे हालात पर हम नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि लैंडफॉल के बाद हमारा काम शुरू होता है। पश्चिम बंगाल और ओडिशा दोनों ही राज्यों पर हमारी नजर बनी हुई है। ओडिशा में एनडीआरएफ की 20 टीमें और पश्चिम बंगाल में 19 टीमें तैनात की गई हैं। भारतीय मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि सुपर साइक्लोन अम्फान की वजह से ओडिशा में करीब 106 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चल रही हैं। सुपर साइक्लोन का असर पश्चिम बंगाल में कोलकाता, हावड़ा और हुगली जिलों में दिखा, जहां 100 किलोमीटर से भी ज्यादा तेज हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग पहले ही पश्चिम बंगाल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर चुका है और आगाह किया है कि कोलकाता, हुगली, हावड़ा, दक्षिण और उत्तर 24 परगना और पूर्वी मिदनापुर जिलों में बड़े पैमाने पर नुकसान हो सकता है। विभाग के निर्देशानुसार कोलकाता और निकटवर्ती इलाकों में सभी संस्थान और बाजार बंद करने और लोगों के आवागमन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।